स्त्रियों से अगर चोट खाई ना हो। अच्छा ये बताओ मैया, आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताओ, आप लोग ज्यादा दुखी हैं या कुंती बुआ ने ज्यादा दुख उठाया जीवन में? जल्दी बताओ मेरी माँ, आप स्त्रियां जितनी यहां बैठी हैं मेरी माँ, आप बताओ आपके जीवन में दुख ज्यादा है या कुंती बुआ के जीवन में दुख ज्यादा था? कुंती बुआ के जीवन में दुख ज्यादा था। आपके जीवन में तो दुख कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग ना जरा से दुख से, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, इतना ना रोया करो, कभी हंसा भी करो। हंसने के बहुत बहाने हो सकते हैं, लेकिन आप ना रोने के बहाने ढूंढते हैं। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना, जहां जाती हो आप लोग वहीं रोने लगती हो। मैया इतना ना रोया करो। कुंती बुआ ने जीवन में इतना दुख उठाया। कुंती बुआ का विवाह हुआ, विवाह होते ही कुछ दिनों के बाद पति की मृत्यु हो गई। कुंती बुआ के पति का नाम क्या था आप बता, क्या नाम था मैया? नहीं मालूम, पूछो किसी से, नकल करो, बताओ। लो उनके पास बैठी हो जिनको पता ही नहीं है, लो क्या नाम है? पांडु। कुंती बुआ के पति पांडु, पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु को श्राप लगा था। पांडु की कितनी पत्नियां थी? पांडु जी की कितनी पत्नियां? दो। कौन कौन? मैया ना पूछो पड़ोसियों से, कौन नाम था? कुंती और माद्री। पांडु एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां पर एक हिरण और एक हिरणी, दोनों हिरण और हिरणी दोनों उस समय शारीरिक सुख ले रहे थे भोगों का। उसी समय पांडु ने ध्यान नहीं दिया और बाण मार दिया तो जाकर के मृगी को लगा। मृगी मर गई। तब जो मृग था उसने श्राप दे दिया कि आज के बाद जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे भावना से, काम वासना से, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति पत्नी के संग में व्यवधान डालना भी बहुत बड़ा पाप है, पता है आपको? सिर्फ पति पत्नी नहीं, संसार का कोई भी जीव यदि इस क्रिया में हो तो कभी हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। पांडु ने बाधा डाली, श्राप दे दिया कि जाओ जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे काम भाव से मृत्यु हो जाएगी। पांडु सन्यासियों की तरह रहने लगे। इन्होंने त्याग दिया काम को, कि काम को ही त्याग देंगे। अब देखिए बेटा बच्चा हुआ नहीं, पत्नी को बच्चा नहीं हुआ और श्राप लग गया कि आप अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते, अब बच्चा कैसे हो? तब फिर माता कुंती के पास कुछ दुर्वासा जी के दिए मंत्र थे। वो मंत्र का प्रभाव था कि जो मंत्र पढ़ेंगी वो देवता आकर उनका स्पर्श करते ही उन्हें गर्भवती, उनके स्पर्श मात्र से होंगी और वह पुत्र उन्हें प्रदान करेगा। तो सूर्य का स्मरण किया,
तो कुंवारे में ही प्रैक्टिकल करने के लिए सूर्य पुत्र कर्ण हो गए, जिन्हें पानी में बहाना पड़ा, जिन्हें बाद में राधे ने पाला, राधे कहलाए। फिर इन्होंने धर्मराज का आवाहन किया तो धर्मराज युधिष्ठिर आए, इंद्र का आवाहन किया अर्जुन आए, भीम आए, नकुल आए, से अश्विनी कुमार आए, फिर वायु देवता आए। ये सब देवताओं के अंश हैं, ये पांचों पांडव। और कुंती ने दो मंत्र दे दिए थे मात्री को कि मैं भी नहीं तू भी मां बन। तो नकुल सहदेव कुंती के पुत्र नहीं है, आपको पता है कुंती मां के कितने पुत्र हैं? कुंती बुआ के कितने पुत्र बता, तीनों पुत्रों के नाम बताओ कुंती बुआ के। आप मैया बताओ जल्दी, नकल बिल्कुल ना मारना, जल्दी बताओ। लो मैया को नहीं पता, चुप्पी टाप बैठी है मैया, ये मैया बताएंगी। पांडु, कुंती, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीन पुत्र हैं कुंती मां के, और दो नकुल और सहदेव, ये हैं माता माद्री के। अब देखिए पांडु को श्राप था और दोनों पत्नियां बच्चों को जन्म देती हैं देवताओं के प्रभाव से, और पांडु पुत्रों का सुख ले रहे हैं। अब ये सन्यासियों की तरह रहने लगे पति पत्नी दोनों, और इनके पुत्र हो गए। एक दिन की बात है कि ये सन्यासियों की तरह जंगल में रहा करते थे, राज सुख त्याग दिए थे पांडु। एक दिन क्या हुआ कि माद्री नदी में स्नान करके अपने कपड़े सुखा रही थी कि माद्री के सुंदर शरीर को देखकर आज पांडु के अंदर वासना जाग गई। देखिए आप कितने भी बड़े सन्यासी हैं, लेकिन मन का भरोसा ना करना, ये मन कब वासनाओं को जगा दे और कब तुम्हें सन्यासी जैसी फीलिंग देने लग जाए। मन सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा ठगी है, ठगता है, सबसे बड़ा चोर मन है। इसलिए विश्वास मन पर ना करो, ये मन कब किसका कहां चला जाए। माद्री तो पत्नी थी, मन आज वश में नहीं, पांडु पत्नी की ओर काम वासना से बढ़ गए। और जब माद्री का, अच्छा पत्नियों को स्पर्श ये रोज करते थे पर पत्नी भाव से नहीं करते थे, आज इन्होंने पत्नी भाव से, काम भाव से स्पर्श किया तो ये तुरंत इनकी श्रापवश मृत्यु हुई।